खेल की शुरुआत हो रही है। इस समय एक लंबे विसिल की ओर सायरन हुई, मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला है। इस समय नंबर 7 के जर्सी के साथ कवर को स्कॉटन किक के सहारे पीछे धकेला और धकेलने के साथ अपने चहेते कोनर पर बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से, जहां निखिल और मनोज की ओर दौड़ी है। एक मरतबा दूसरी बार वो दूर से बड़ी तेजी के साथ फिंगर टच का प्रयास रहा है, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। सफलता अभी भी हाथ लगी नहीं, कोसों दूर है सफलता से। इस समय नंबर 7 के जर्सी के साथ बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर मूलचंद मार्को नंबर 17 की जर्सी के साथ शुरुआती का उछड़ अपने पाले का पहला रेड के साथ, इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ मूलचंद नंबर 17 की जर्सी के साथ बोनस का एक अटेम्प्ट अपने लेफ्ट कॉर्नर पर, टीम की राइट कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो चली है। इस समय मूलचंद मार्को तरफा सप्लिंग है, डिफेंस यहां से किस तरीके से मौका भुनाएगा और कवर के बीचों बीच बोनस का एक अटेम्प्ट प्रयास रहा है मूलचंद मार्को का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं, अंत में खाली खींचा। पहले अंक की तलाश दोनों टीमों को है। देवरी बालोद अपने पाले का दूसरा रेड के साथ और इस मुकाबले का तीसरा रेड के साथ, इस मुकाबले के साथ कहीं खाली ये रेड के साथ कहीं खाली जाती है देवरी बालोद तो कहीं जा करके तीसरा रेड वो डिसाइडेड रेड हो जाएगा। अंत में खाली खींचा नंबर 1 के जर्सी के रेडर है। दूसरी ओर सुरेंद्र कुमार ही निकल रहे हैं नंबर 7 के जर्सी के साथ, पहले वो धीमे कदमों के साथ दहलीज पार करने के साथ साथ कहीं जा करके ये देखिए यहाँ से अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत हो चली है। तो टेकर के जरिए पहला शिकार सुनिश्चित कर लिया सुरेंद्र कुमार का। दो आउट आई का रेड, एक लंबा सा स्ट्रेच खींचा अपने लेफ्ट कॉर्नर से, टीम की राइट कॉर्नर निखिल के ऊपर चोट आ लिया, सफलता भी हाथ लगी। तो 0-2 के मुकाबले इस समय अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत एक छोर से देवरी बालोद की टीमों कर ली है। दूसरी ओर पहले अंक की तलाश मूलचंद मार्को को है, अर्थात कोरबा क्लब को है। बोनस का एक अटेम्प्ट प्रयास जरूर लिया मूलचंद मार्को, और जिस तरीके से मूलचंद का हाव भाव है, उन्होंने कहा कि मैं सही मायने में सही तरीके से बोनस का एक अटेम्प्ट लिया, एक अंक ले लिया और थमअप का इशारा दोनों ऑफिशियलों की सेंटर लाइन पर। दूर छोर से राकेश कश्यप जी, हमारे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी, और इस समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 8 के जर्सी के साथ देवरी बालोद लेफ्ट रेडर, जहां 1-2 के मुकाबले खेल की शुरुआत हो चली है। एक अंक अपने आप को बैक फुट पर पा रही है कोरबा क्लब की टीम मूलचंद मार्को, जिन्होंने पहला अंक दिलाया अपने टीम को मूलचंद मार्को। और यहां से उस 17 नंबर के जर्सी के साथ, जहां हाउसफुल मैदान है इस समय, और हाउसफुल मैदान इनका छूट गई है, कवर से भी क्या अंक निकल करके आ रहे हैं और आसमानी और दो उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। तो एक अंक ऊपर पा रहा है इस, जहां टच के दो आसमानी उंगलियों के साथ में 2-3 के मुकाबले एक अंक की बढ़त इस समय कोरबा क्लब के पास। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, रविंद्र कुमार के ऊपर फिंगर टच का प्रयास रहा है नंबर 7 के जर्सी के रेडर का देवरी बालोद, और यहां से निखिल लगातार और दूर कॉर्नर से सुरेंद्र कुमार और प्रिंस पात्रे का टेकल, सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से। रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया 4-2 के मुकाबले मूलचंद मार्को, 4 का ही डिफेंस है इस समय, और 4 का जहां डिफेंस है बोनस ऑफ है मूलचंद मार्को के लिए। लेफ्ट रेडर राइट को टीम कॉर्नर, और टीम कॉर्नर ये देखिए डिफेंस से गलती हो गई, इस तरीके से गलतियों से भी बचना होगा देवरी बालोद को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, तब कहीं जाकर के उस अंकों की लेवल तक आप आ चलेंगे। 2-5 के मुकाबले 3 अंकों की जहां बढ़त है इस समय, वो देखते ही बन रहा है स्कोर बोर्ड पर, 3 की वो टिकड़ी होगी ये रेड के बाद, यदि खाली खींच जाते हैं रेडर तो 3 की वो टिकड़ी लगातार बनी हुई है। टाइम ये मुसीबत है थोड़ी सी, 4 खिलाड़ी इनके कोर्ट से बाहर है, 3 की ओर टिकड़ी सुपर टेकल कहीं कर जाती है, विकेट 6-2 के साथ लेवल अंक पर आ चलेगा, लेकिन क्या उसके लिए मौका देगा सुरेंद्र कुमार कमर, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफा सप्लिंग, ये देखिए लाइन जंप किया, एक अंक लिया, एक अंक और सहेजा अपने पाले में सुरेंद्र कुमार ने। दूसरी ओर इस समय 6-3 के मुकाबले नंबर 8 के जर्सी के साथ रेडर, लेफ्ट रेडर है, ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज की ओर धकेल रही है इस समय कोरबा क्लब की ओर टीम देवरी बालोद को।
एक लंबा सा स्टैच खींचने का प्रयास रहा, टो से टो मिलाने का प्रयास रहा है निखिल के टो से अपने चहेते कॉर्नर के ऊपर रेडर के, लेकिन दूर कॉर्नर पर प्रिंस पात्रे को पीछे धकेला और धकेलने के साथ कहीं जाकर के और 30 सेकंड के काउंट डाउन में अपने आप को अपना घर सुनिश्चित किया सुरक्षित ढंग से। मूलचंद मार्को लोकल डिफेंस ऑल आउट के बिल्कुल करीब, यहाँ से वो सुपर टेकर का भी मौका है, लेकिन मूलचंद मार्को जैसे खिलाड़ी को क्या सुपर टेकर में अजमाएगा इस समय देवरी वालों की टीम, ये देखने वाली बात होगी। अंत में वो दो खिलाड़ी और इस इंतजार में कि सुपर टेकर उसका क्या मौका वो अजमा जाएगा, यहाँ से दोनों थाई पर गए, थाई पर जाने के साथ साथ मूलचंद मार्को का शिकार सुनिश्चित कर लिया इस समय, सुपर टेकर का गोंद मिला यहाँ से देवरी बालोस के टीम के ऊपर। जहां 6 और 5 के मुकाबले डेंजरस प्ले डेंजरस टेकल के फलस्वरूप ग्रीन कार्ड की हिदायत हुई है नंबर 3 के डिफेंस के लिए, और इस समय नंबर 8 के जर्सी के रेडर लेफ्ट रेडर है, जहां 6 का डिफेंस है, तो 6 और 5 के मुकाबले 1 अंक की लीड वो नजर आ रही है इस समय महत्वपूर्ण रूप से कोरबा के पास। ये देखिए कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा, थोड़ी सी देरी हो चली, कितने बोगियां चली जाएगी, महत्वपूर्ण रूप से आसमानी 4 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, आसमान की ओर वो 4 उंगलियां सुनिश्चित हो चली, 6 और 4 अंकों के साथ ऊपर से भी ऊपर का अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित खींचा। अब कहीं जाकर के उस 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान इस समय देवरी बालों के कोर्ट के ऊपर, यही मौका है ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेल जाने का, और यहां से कहीं मौका छूट जाती है तो मुसीबत बखूबी लौट कर आएगा, ऐसा नहीं है ये पहले हाफ का ही खेल है, लेकिन दूसरे हाफ का पूरा खेल अभी भी आने को बाकी है। बोनस का अंक सुरेंद्र कुमार के लिए अर्थात कोरबा क्लब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल रेडर है सुरेंद्र कुमार और मनोज कुमार, ये दोनों उतने ही जितने रेड में उनका परफॉर्मेंस रहता है उतनी ही अच्छे टेकल भी वो करते हैं, चाहे वो सुरेंद्र कुमार की बात करें या फिर कहीं जाकर के मनोज कुमार की बात करें, लेकिन ये गलती हो गई, ऑल आउट पर जा रही है टीम। 7 और 13 के मुकाबले पहले हाफ का पहला टाइम आउट बुला लिया है कोरबा, 7 और 13 के मुकाबले नजर आ रही है, 2 मिनट और 41 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे, मनोज गिरे दे रही से समय संपन्न हो चला। इस समय सुरेंद्र कुमार को चाहिए, जहां उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है उसको ऊपर लाने की आवश्यकता होगी, तो बोगिया अंक चाहिए, और बोगिया अंक के साथ साथ वो बोनस से भी स्कोर चलायमान किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हाफ का ही खेल है और पहले हाफ के खेल में यहाँ से उतनी जोखिम है नहीं कि जितनी जल्दी वो अपना आपा खो जाए, वो संयम बरत करके बोनस से भी स्कोर चलायमान कर सकते हैं, उनके पास वो बोनस स्पेशलिस्ट चाहे रविंद्र कुमार की बात करें या सुरेंद्र कुमार की बात करें या फिर मूलचंद मार्को की बात करें, वो तमाम उनके दो धारी तलवार इस समय कोर्ट के ऊपर मौजूद है। ऑल आउट के बाद ऑल इन हुई पूरी टीम, 7 खिलाड़ियों का मजबा, लेकिन निखिल ने दूसरी मरतबा अंक लिया अपने छोर से, निखिल का दूसरी मरतबा टच करके लिया देवरी बालोद ने वहां से टच का अंक, रविंद्र कुमार नंबर 5 की जर्सी के साथ और यहां से लेग चलाया अपने कॉर्नर के ऊपर अपने राइट कॉर्नर के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है, डिफेंस को 7 का हाउस का मैदान है, एक अटेम्प्ट बड़ी खूबसूरती के साथ सफलता हाथ लग रही है, हम अपना इशारा और 8-14 के मुकाबले 6 अंकों की बढ़त है इस समय देवरी बालोद के पास, देवरी बालोद नंबर 7 के जर्सी के साथ सुरेंद्र कुमार के ऊपर फिंगर चलाया, रनिंग फिंगर का सफलता भी हाथ लग रही है, तो 1 अंक दे रहा है एक छोर से कोरबा क्लब को, एक छोर से देवरी बालोद वो अंक ले भी रहा है, 15-8 के मुकाबले इस समय 7 अंकों की लीड और लगातार बना करके रखा है मूलचंद मार्को, और यहाँ से ये पहले हाफ का खेल थोड़ी सी समस्या परे है, लेकिन जैसे जैसे दूसरे हाफ की खेल की ओर हम रुख करेंगे उसके बाद कहीं जा करके खेल की शैली दिशा और दशा दोनों बदल करके रख देंगे दोनों टीमें, ये तो क्या है। बहरहाल पहले हाफ की खेल में हालांकि इस समय लीड लेकर के चल रही है देवरी बालोद की टीम, लेकिन जैसे जैसे पहले हाफ का खेल संपन्न हो चलेगा दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत होगी,
उसके बाद कहीं जाकर के खेल में तब्दील होगी, खेल में परिवर्तन होगा, और उसके बाद कहीं जाकर के ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी टीम अगले चक्र में जगह सुनिश्चित कर जाएगी और कौन सी टीम इस नॉकआउट मुकाबले से बाहर होगी। तो ये 8 और 15 के मुकाबले रविंद्र कुमार ही निकल रहे हैं इस समय। रविंद्र कुमार उन लगातार मैराथन रेड के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए अफरा तफरी का शिकार डिफेंस ने रहा अफरा तफरी की, एक अंक इजाफा हो चला कोरबा के लिए, और इस समय कुछ 6 का डिफेंस है। कोर्ट के ऊपर सुरेंद्र कुमार कोर्ट से बाहर है, पवेलियन के ऊपर ब्रेंच के ऊपर विश्राम पर है, और यहाँ से रविंद्र कुमार ने जिस तरीके से अंक जुटाया अपने टीम के लिए, अंक लिया वो देखते ही बना है। ये देखिए निखिल ने एक मतलब काम करके दिया महत्वपूर्ण रूप से, और काम दूसरे हाफ और 10 मिनट तक खेल आने को है, तो 10 और 15 के मुकाबले 5 अंकों के फासले लगातार क्या बना करके रखेगा देवरी मालों। ऑल ऑफिशियल रेडी की हिदायत हो रही है, एक लंबी सी सायरन हुई सेंट्रल लाइन पर और मैच औपचारिक रूप से आरंभ हो चला है। सुरेंद्र कुमार कमर ही निकल रहे हैं और राइट के रेडर है, 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है सुरेंद्र कुमार के लिए। सुरेंद्र कुमार ऊंचे लंबे कट के रेडर, एक मरतबा ब्रेंच का रास्ता जरूर दिखाया देवरी बालोद के डिफेंस ने, लेकिन सुरेंद्र कुमार उस रिवाइवल के साथ कोच के ऊपर है। स्कॉट पेंटिंग का प्रयास रहा है सुरेंद्र कुमार का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं, और जो सुमी लेना कतई पसंद नहीं करेंगे। 10 मिनट को दूसरे हाफ का पूरा खेल अभी आने को है, कोई जल्दबाजी है नहीं कोरबा क्लब के लिए, 5 अंक पर ही लीड है, और वो लीड कब भरपाई कर जाएगी ये बखूबी जानती है कोरबा का डिफेंस और ऑफेंस, और उसके अनुरूप वो खेल खेलना पसंद करेगी। बहरहाल बोनस का एक अटेम्प्ट लिया जरूर, लेकिन क्या वो सही तरीके से, सही मायने में साफ सुथरे तरीके से बोनस का अटेम्प्ट लिया है। नंबर 8 के जैसी के रेडर ने बोनस का एक अटेम्प्ट लिया, सफलता भी हाथ लगी, अंदर गए रविंद्र कुमार, अंदर जाने के साथ साथ ये देखिए एक तरफा डीप धकेल करके रखा है डिफेंस को, और डीप धकेलने के साथ दूर कॉर्नर को पीछे धकेलने का प्रयास किया। यहाँ इस समय वो 6 अंकों की लीड हो चली है देवरी बालोद, जो 6 अंक ऊपर पा रहा है अपने आप को। इस समय 10 और 16 के मुकाबले 6 अंकों के लीड के साथ प्रहार के ऊपर नंबर 8 के जर्सी के साथ देवरी बालोद लेफ्ट रेडर, जिन्होंने बोनस का एक अटेम्प्ट लिया कवर के बीचों बीच रनिंग बोनस का, और पिछले रेड के साथ वो बोनस का एक अंक और लेकर के चला उस बढ़त के अंक के साथ। तो 10 और 16 के मुकाबले निखिल की जहां कॉर्नर है मनोज के कॉर्नर इन के साथ में, वो लगातार वहीं से सप्लिंग जारी रहा है नंबर 8 के जर्सी के रेडर का, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। तो 10 और 16 के मुकाबले सुरेंद्र कुमार तोमर नंबर 7 के जर्सी के साथ 2.5 का रेड है, और यहाँ से बोनस ऑफ है सुरेंद्र कुमार के लिए। ये देखिए आप सफलता हाथ लग रही है क्या, और सफलता हाथ लगने के साथ वो कितने उंगलियां सार्थक होगी ये देखने वाली बात होगी। अब आसमानी वो 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। हेलो अर्जुन, थोड़ा साइड में बैठो। तो 2 आसमानी उंगली के साथ में अब कहीं जाकर के 12 और 16 के मुकाबले मात्र 4 अंकों की बढ़त और रह चली है, अब 4 अंकों की वो भरपाई बखूबी समय रहते कर जाएगी। इस समय कोरबा क्लब निखिल के आदरणीय बड़े भैया अरविंद कंवर जी, जो कि ग्राम पंचायत झाबर के पूर्व सरपंच है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मंच पे आके मंचस्थ हो जाए। उसके लिए 3 की टिकड़ी है, और सुरेंद्र कुमार ही निकल रहे हैं। सुरेंद्र कुमार नंबर 7 के जर्सी के साथ सुपर टेकल का मौका, लेकिन सुपर टेकल क्या वो मुनासिब होगा सुरेंद्र कुमार को 3 की टिकड़ी में सुपर टेकल करके दे रहा है क्या, और सुपर टेकल अपने घर के ऊपर करके दिया देवरी बालोद। सुपर टेकल के 2 अंक लिया, 1 रिवाइवल भी लिया, तो रिवाइवल के साथ 4 की चौकड़ी अब कहीं जाकर के मैट के ऊपर उपस्थित होंगे। टाइम आउट बुला लिया कि अभी पलक झपकते हम आप सभी ने देखा कि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन पलक झपकते ही वही खिलाड़ी एक मरतबा फिर से रेड के ऊपर नंबर 8 के जर्सी के साथ 2.5 का रेड, और इस समय वो 30 सेकंड का दायरा है रेडर के लिए। बोनस का एक अटेम्प्ट लिया जरूर, लेकिन वो फिसलन जरूर है मैट के ऊपर, और मैट सूच के ऊपर
सेकंड, ये देखिए यहाँ से कुछ टच हुआ नहीं, अंत में एक बड़ी खूबसूरती के साथ टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से 13-18 के मुकाबले वो 5 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। यहाँ से 3 की टिकड़ी है और रविंद्र कुमार इस मरतबा स्ट्रगल के ऊपर, रविंद्र कुमार जहाँ 3 की वो टिकड़ी में क्या टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है और टच का अंक सुनिश्चित हो चला। सब्स्टिट्यूशन की मांग है और 14-18 अंकों के लिए नंबर 11 के जर्सी के साथ जिस इरादे के साथ इस समय देवरी बालोद रिवाइवल सॉरी माफ कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन बुनाया और निखिल का क्या टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है और एक अंक अभी भी ऊपर पा रहा है, एक अंक और सहेजा अपने पाले में। तो 14-19 के मुकाबले इस समय 5 अंकों की लीड लगातार बना करके रखा है रविंद्र कुमार इस समय स्ट्रगल के ऊपर। और रविंद्र कुमार 3 की अब टिकड़ी, अब टिकड़ी में यहाँ से किस तरीके से डिफेंस अपना काम करके देती है देखने वाली बात होगी। नंबर 5 की जर्सी के साथ रविंद्र कुमार जिस तरीके से उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है वो लगातार कच का अंक सुनिश्चित करने के प्रयास में है रविंद्र कुमार, लेकिन इस कच का अंक सुनिश्चित हुआ नहीं। और यहाँ से नंबर 7 के जर्सी क्रेडर को अजमा रहा है, ऊंचे लंबे कट के रेडर और यहाँ से बड़ी तेजी के साथ बोनस का एक प्रयास जरूर रहा है, लेकिन रेडर बहुत खूबी जानते हैं कि कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते और उसके लिए बोनस का लाइन पहला टॉस साफ सुथरे तरीके से क्रॉस हो तो दूसरा हवा में हो तब कहीं जाकर के बात बनती है। अंतिम 5 मिनट का भी इशारा हो रहा है, इस समय टाइम आउट बुला लिया है। परास्त कर यहाँ से अगले चक्र में अर्थात और अंतिम मुकाबले में शिरकत कर जाएगी सुरेंद्र कुमार कंवर नंबर 7 की जर्सी के साथ, 3 की और टिकड़ी है और यहाँ से 3 की टिकड़ी कहीं एक मरतबा फिर से सुपर टेकल कर जाती है तो लेड बरकरार रह जाएगा, लेकिन गलती कर बैठती है तो मुसीबत में फंस जाएगी यहाँ से देवरी बालोद की टीम। सुरेंद्र कुमार लगातार स्ट्रगल के ऊपर, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से सुरेंद्र कुमार जब तक कोर्ट के ऊपर है, रविंद्र कुमार जब तक कोर्ट के ऊपर है, मूलचंद जब तक कोर्ट के ऊपर है, मुसीबत इस समय देवरी बालोद के ऊपर ही है, लेकिन उल्टा साबित हो गया। सुरेंद्र कुमार के ऊपर फिंगर टच लिया और सुरेंद्र कुमार को पालियन का रास्ता दिखाया मूलचंद इस समय स्ट्रगल के ऊपर। 2:30 का मूलचंद के लिए नंबर 17 के दर्शी के साथ और 4 की और चौकड़े टेकल को पूरा किया, एक अंक लिया इस टेकल के सहारे 21-14 के मुकाबले 7 अंकों की लीड हो चली है। नंबर 7 के दर्शी के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर 3:35 का खेल इस इंतजार में एक देवरी बालों की टीम अगले चक्र में जगह सुनिश्चित करेगी मेला और फाइनल मुकाबले में या फिर एक छोर पर कोरबा क्लब की टीम होगी। 14-21 के मुकाबले इस समय 14-21 के मुकाबले और नंबर 7 के जर्सी के साथ इस समय देवरी बालोद स्ट्रगल के ऊपर बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से रविंद्र कुमार यादव, अब इन्हीं के कंधे के ऊपर जवाबदारी है कि किस तरह से अपने टीम को उस लेवल तक लेकर जाएंगे। टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है कॉर्नर इनसे और टच का अंक सुनिश्चित होने के साथ साथ 6 अंकों की लीड अभी भी बनी हुई है तो 2:55 का खेल अभी भी है। नंबर 7 के जर्सी के साथ देवरी बालोद निखिल बड़ी तेजी के साथ घेराबंदी का प्रयास किया बैक फुट से बैक ओर से रेडर के, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं, अंत में अपने खेमे के ऊपर अपने घर के ऊपर सुरक्षित खींचा अपने अपने कॉर्नर के ऊपर इस समय निखिल ने। दूसरी ओर ये देखिए गलती हो गई, जाते जाते ही सही निखिल ने कहा एक अंक और लेते जाइए, इसकी आवश्यकता थी नहीं, यहाँ एक एक अंक की जद्दोजहद हो रही है और निखिल का एडवांस टेकल इस बार क्या रविंद्र कुमार को अपने घर के ऊपर दबोच करके रखा देवरी बालोद के डिफेंस में और देवरी बालोद इस समय 23-15 है। इस समय कबड्डी दल कोरबा की ओर टीम 3 की ओर टिकड़ी 2 मिनट अंतिम 2 मिनट का ही खेल 15-23 के मुकाबले अब कहीं जा करके ये धुंधिया रोशनी में भी धूमिल सा महसूस कर रहा है कोरबा क्लब की टीम। 3 की ओर टिकड़ी, एक छोर पर ओम प्रकाश और दूसरे छोर पर मनोज कुमार और प्रिंस पात्रे
लेकिन यहाँ से अब वापसी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, गुजरते समय के साथ मुसीबत में फंसती नजर आएगी कोरबा क्लब की टीम। मनोज कुमार स्ट्रगल के ऊपर, नंबर दो के जर्सी के साथ मनोज पटेल। आज ये देखिए, एक शिकार सुनिश्चित कर लिया, मनोज पटेल का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया और उनके तमाम रेडरों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दो डिफेंस एक कवर से ओम प्रकाश और कॉर्नर के ही खिलाड़ी, कॉर्नर के ही कैचर प्रिंस पात्रे मैदान के ऊपर है दो खिलाड़ी। और इस समय 15 और 24 के मुकाबले जिस तरीके से ये मुकाबला गुजरा, इस तरह के मुकाबले की अंदेशा रही नहीं होगी दर्शकों को। तो अंतिम एक मिनट का ही खेल है। अब 15-24 के मुकाबले ये मुकाबला अंधेरे में पा रहा है कोरबा क्लब प्रिंस पात्रे। और यहां से ये देखिए, प्रिंस पात्रे का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया और लगातार जाते जाते ही सही क्या ऑल आउट लेकर के जाएगा यहां से देवरी बालोद की टीम। और ऑल आउट का 3 अंक भी सहेज लिया। तो 28 और 15 के मुकाबले अंतिम एक रन की संभावना बनी हुई है, अंतिम समय की ही खेल है। और जिसके फलस्वरूप निखिल लंगले बिगड़ गए मुकाबले में पूरी तरीके से। का करे भागत तेला धर अंतिम सेकंडों का खेल वापसी का थर्ड रेड अति 3 जन मोहर रविंद्र भैया एक मूल सेकंड के साथ 30 सेकंड का भी दायरा एक ही साथ संपन्न हो रहा है। मैच यही ओवर हो रहा है 16 और 28 के मुकाबले देवरी बालोद